ਸੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਐਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਓ ਐਜ਼ੀ ਓਏ ਐਜ਼ੀ ਉਠ ਪੁੱਤ ਰੂਮ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਉਠ ਪੁੱਤ ਉਠ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੈਨ ਉਠਾ ਬਿਲਾਲ ਉਠ ਜਾ ਐਜ਼ਾ ਬੇਟੇ चलो आज भाग जाओ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार जी रहमत बरकतां दे नाम नाल अज दी वीडियो दा आगाज करने हां। अज दी वीडियो साडी है सुबह दी रूटीन। आओ वेखिए कि सुबह दी रूटीन साडी जिहड़ी है ना पिंडा थावां ते किस तरह सुबह सुबह होंदी है फिर सानू की सुबह सुबह करना पैंदा है और किन्ना काम सानू सुबह सुबह होंदा है घर च उस सारे दा सारा थोड़े नाल शेयर करना है। मक्की जड़ी कल जड़ी है ना वो सुकने पाई हुई सी जड़ी फिर बाकी थोड़ी थले बच जाती है जिंदे मटा मिट्टी कट्टा जड़ा है घना होंगे वो फिर इस तरह खड़ी कर लेती ताकि इन कचरा वगैरह तो मिट्टी कट्टा जड़ा है ना वो निकल जाता है। बाकी मक्की जड़ी है ना कुछ है पही है एक थोड़ा फुल हो गया से इनका मूँह बंद कर दिता है कुछ हले उतारन वाली है छलियाँ समैत पैप में जड़ा है ना अच्छी तरह प्रेशर मार देंगे ताकि साफ हो जाएगा और थोड़ी देर धुप लगन तो बाद सुक जाएगा।
दो मिनट धुप लगेगी ना ये सुक जाएगा और सुकन तो बाद फिर इनू अंदर रख देवे और जो दूसरा पैप है लगा हुआ ये नाल ही लगा रहा ताकि फिर टंकी वगैरह भरन वास्ते जो है ना वो कम आता बेगम जो है ना वो बाद सफाई कर लेगी तो मैं जरा दुकान की जी ना वो सफाई कर लेना वा ताकि मिल जुल के सारा काम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए। इत तक सफाई करके ना ये तलावत कुराने पाक जी लाई जाती सी लेकिन हूँ लाइट नहीं है लाइट चली गई है हूँ बेगम जरा वह घर की सफाई का काम करके फारिग होगी तो फिर मैं जावगा कुछ समान लैन वास्ते क्योंकि समान जरा है वह काफ़ी सारा शार्ट है जरा मैं लैन जाना वा शहरों निका जहा सा वेड़ा है जोड़ा सूँ साफ करना पैदा रोज़ाना तो पानी जड़ा है ना वो एक दो दिन तो बाद इन्ना ज़्यादा छिड़काव करी दा वरना फिर थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके ना जड़ा झाड़ू है वो दिता जाता है उन्हों आज दी धुप एक फिर लवावे ताकि फिर जो तोड़ियां च बंद करी दी है ना तो बाद फिर हवा तो लगती नहीं और काली होने लग पी इस वजह तो फिर इनू जड़ा चंगी तरह खुश करके तो फिर इन कटना इस तरह करया होया ना इनू धुप जड़ी है अच्छे तरीके नाल लगती है तो ये जल्दी जड़ा ना ये खुशक होंदा है नाल जड़ी है ना वैसे ही पा दी तक ये भी खुशक हो जाएगी अच्छी तरह खुशक हो जा होने तो बाद अच्छी तरह खुशक होने तो बाद फिर इनू एक तोड़े च कत के तोड़े च पा के तो इनू डंडे की मदद नाल जड़ा ना वो इन्हें दाने जड़े ना वो बाहर कर लवेंगे बेगम जड़ी है उन्हें वेड़े की सफाई जड़ी है ना वो सारी कर ली है ये तुम वेख सकते हो सुबह सुबह कितना गंद सी तो हूँ काफ़ी हद तक जड़ा है ना वो साफ हो गया कुछ जगह हले रही वो भी साफ कर लेगी अगर कली लगी होंगी ना सफाई करन दे दे तकरीबन 10 बजे तक सफाई कर दी और फिर इस तो बाद सारा दिन मंजी दे रहंदी मेहरबानी है भी इनदी नाल मेरे हेल्प सहायक रहंदा है हुन नाश्ता पानी असि रल के करना बच्चे से पढ़ के आने ने बच्चे जड़े हैं वो मस्जिद गए ने बच्चे जड़े हैं वो मस्जिद गए ने ते आज उन्होंने छुट्टी लेट होनी क्योंकि स्कूल हो गए ने बंद ते पहले ते वो तकरीबन 6:15 बजे आ जांदे असि और नाश्ता पानी करके 7 बजे स्कूल लग जाता सी और स्कूल चले जाते सी लेकिन हुण मेरे ख्याल है वो 7:15 बजे मस्जिद चू आएंगे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई ने तो फिर मस्जिद थोड़ा जहा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि उन्हें पढ़ाई जी है ना वो अच्छे तरीके या बेहतर हो जाए इरादा हो गया कैंसल क्योंकि पहले तो मैं जाना सी कल्ले ने दुकान का सौदा लैन वास्ते तो हूँ सारे का इरादा बन गया कि कपड़े जुतियां ले लिए दो शादियां ने जड़ियाँ बिल्कुल करीब आ गई ने ईद तो शायद एक दो दिन चार दिन पहले ही कर लेवन तो ईद के तकरीबन 18-20 दिन रह गए ने उन्होंने कहा भी चलो हुणे ही जड़ा ना कपड़े छपड़े ले लीए तो एक बार तौर के दोबारा फिर शहर ना जाना पवे कपड़े पिछे लाल साहब जड़ा है वो पहले ही मोटरसाइकिल बाहर बचाई फिरदा हूँ तू चलाना कि मैं सारे ले जा से नहीं जमीना इस तरह तो हम पार ही आप दरिया तो आप पार नहीं लग गया है उधले पार हूँ टाइम नहीं है ना हम मुड़ आप परसों आना सौदा तो लेना है शाम तो होनी तो मुड़ा घर तो वग जाना है ना पार जा भी है सौदा तो आप फिर भी लेना चल आज तो हम सौदा दुकान से जरा मुकया पे उनका की करना सौदा बेचना कोई नहीं है तू तेरी खाला आई हुई उन्हें वग जावे तू तो तू दूध रह पवे जी असी घर वग जाए ये मेरे नाल गल कर ना मेरे नाल तो मुड़ उन्हें वग जावे ना पार वो वग गया ना पार तो अमनों की अम्मी जड़ी आई हुई है उन्हें हूँ जाना नहीं हूँ लेट हों पी है ये स्कूटर तो पवे ना पार नहीं जाना आप घर जाना पार आप आना परसों तेरे मामू की है ना अद्धी अद्धी शादी जड़ी होंगी है मंगनी होंगी ना मंगनी वो करनी है
परसों आप आना तो उस मुड़ तू इतने रह पवी भावे दो दिन मुड़ आके मैं तेन लै लिसा चलो मुड़े इतने रह पे तेन छड़ सज बार और हूँ मोटरसाइकिल दबाओ मोटरसाइकिल बहो तो मुड़ जाना ना जल्दी करो बड़ी जुटी थी मिनटा च बन दी आई अज खीर वाला बनया की होया ना सूट होंगे रब्बा सच्चाई का ना जुत्ती जुत्ती रब्बी तो चंगी है पर छोटी शॉपिंग असी ये की है कि जुत्तियां लिया सी ते कपड़े लाया सी ते एक सूट हूँ इस टाइम असं घर ले जाने तो बाकी सारे इतने दी जाने मतलब एक दर्जी दे दिता एक बनया नहीं वह वापस किया जाए एक जुत्ती सी वो छोटी निकली वह भी वापस की वह कहें कि दो तीन दिन बाद माल आएगा वो फिर जाके लवेंगे तो बाकी जी शॉपिंग की हूँ अभी इतों निकलते पे हैं शहर चो तो अगे जाके थोड़ा जाके विखाने यह साढ़े नाल ही जरा ना रिश्तेदार का घर है मतलब मेरे साडू का घर है उत्थे असी ब्रेक की हुई आई उतो हूँ निकलते पे हैं तो हूँ चलने घर क्योंकि सफर तकरीबन अद्धे पौने घंटे का है अच्छा वो तो फिर तेरे नाल दसने आना तेन कितने जाना ठीक तो हूँ घर मुलाकात होंगी थोड़े हाँ जी असं हूँ घर अपड़ आए हैं तो अद्धी की शॉपिंग तो अभी उत्थे दे आए शहर च वापस अद्धी घर ले आए वो थोड़ा विखाने भी असं की लैके आए हैं हाँ जी जुत्ती है मेरी ते दो सूट मेरे अपने ने एक बिलाल बनैन एक बिलाल सूट दर्जी ने छड़िया ऐसा है सब दर्दा सूट आवा दा भी दर्जी ने आया ऐसा जड़ा है जुत्ती मेरे को छोटी लत्ती उन्हें मंगा ना करी लिया है एक उन्हें शाह शाही उन्हें मिला है हाँ ये ब्लैक शैम्पू है जरा वाला ब्लैक करता ना ये वाला शैम्पू है ते दो तीन साफे हो रहे हैं वो किसे दे आने उन्होंने देने ने आप दे नहीं आने ए इन्नी किसी शॉपिंग की थी ते दम्मी दे सी गया हुआ तेल ले आ सिर वाला रूट जड़े ने बिलाद एक दर्जी ने दिता जाते एक घर लेंदा है ऐसा दी फिराक जड़ी पसंद ही नहीं आई वो भी बाद से लेनी है जुत्ती वैसे ही छोटी लत्ती और मंगल ना करने से ऐसा दी फिराक वैसे ही पसंद आई ले ली एक खसूसी काम है कि मेरी अम्मी जी है जी ना इन्हें तबीयत दो तीन दिन तो काफ़ी नसाज आई तो आज थोड़ी जी बेहतर हुई है तो मैं वीडियो जिस वजह तुम्हें दिखाया कि मेरा नवा नवा चैनल है तो लोग ये ना समझन कि शायद कोई इमोशनल स्टोरी जी है ना वो बना के या कोई फेक स्टोरी बना के ना ये विखाता है ताकि व्यूज आवन तो मैं उस चीज़ ना कोई लालच नहीं है इस वजह तो मैं अज वीडियो बना रहा क्योंकि अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है माशाला तो तुम्हें भी दुआ करनी है तो तुम कुछ कहना अल्लाह तेनू कामयाब करे अल्लाह का रसूल तेरी मदद करे अल्लाह तेनू इस काम च कामयाब करे बच्चा मैं भी वेखा तो मेरिया इंशाल्लाह वो ता मत इहदे नाल ही अज दा व्लॉग इत्थे खत्म करने आ सफदर हुसैन नू दिओ इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआवां याद रखना है पंडा बन बन प्यार अल्लाह हाफिज़।